ढाका मेडिकल कॉलेज, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माय करियर पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम जो कॉलेज कवर करने जा रहे हैं वो है ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज। ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर था दैट वाज 1925। अर्लियर ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज ढाका इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, बट इन द ईयर 1994 ढाका इंस्टीट्यूट टर्न्ड इनटू ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, बिकॉज मेडिकल का जो फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था वो 1994 में स्टार्ट हुआ था। सेकेंड, हम एफिलिएशन की बात की जाए तो यस, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज इज अगेन एफिलिएटेड बाय ढाका यूनिवर्सिटी, जो कि नंबर वन यूनिवर्सिटी है ऑफ बांग्लादेश। थर्ड, हम बात करते हैं कॉलेज रेटिंग की। ढाका नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में से आता है बांग्लादेश के। तो अगर मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन सर्व करता है इस कॉलेज में। बस यही होता है कि स्टूडेंट नीड्स टू स्टडी ओनली, उनको और कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती, सिर्फ उनका ध्यान जो होता है वो होता है स्टडी स्टडी एंड स्टडी। फोर्थ, हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कॉलेज के बीच का जो डिस्टेंस है That is hardly 25 to 30 minutes. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इजिली वहाँ पे कन्वेंस अवेलेबल है, वाया बस जा सकते हो, ऑटो कुछ भी आप लेके आप कॉलेज तक ट्रेवल कर सकते हो। फिफ्थ, हम बात कर लेते हैं कौन सी गवर्निंग बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो MCI, WHO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो भी स्टूडेंट फर्दर USMLE, UK PLAB अगर आगे फर्दर लिखना चाहते हैं तो दैट कैंडिडेट कैन इजिली राइट द एग्जाम, उनको कोई आगे इश्यूज नहीं आते। सिक्स्थ, हम बात कर लेते हैं कैंपस के बारे में। बहुत बड़ा प्रेमाइसिस है एक, उसी के अंदर 8-storied अकेडमिक बिल्डिंग है जिसमें एजुकेशन मतलब आपका पूरा अकेडमिक्स चलता है। देन हॉस्टल अगेन लाइक 15-20 मीटर्स की दूरी पे हॉस्टल है। हॉस्टल में दो हॉस्टल हैं, गर्ल्स के लिए स्पेसिफाई हॉस्टल है एंड बॉयज के लिए स्पेसिफाई हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल की बात करूं तो बॉयज हॉस्टल में जो टोटल नंबर ऑफ जो रूम्स अवेलेबल हैं दैट इज 229 एंड विद 365 सीट्स इन बॉयज हॉस्टल। और वही गर्ल्स हॉस्टल में जो रूम अवेलेबल हैं दैट इज 93 रूम्स विद 282 सीट्स इन गर्ल्स हॉस्टल। तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आती कैंडिडेट्स को, अच्छा मतलब एक बहुत अच्छा एरिया मिलता है, उसमें ट्विन शेयरिंग में भी रूम्स होते हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर इट। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल के ही डाइनिंग एरिया की। डाइनिंग एरिया भी एक बड़ा सा हॉल है जिसमें बॉयज हॉस्टल का जो डाइनिंग एरिया है उसमें एट अ टाइम 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। वहीं गर्ल्स हॉस्टल की बात करूं तो गर्ल्स हॉस्टल में जो डाइनिंग कैपेसिटी है दैट इज ऑफ 35 स्टूडेंट्स एट वन टाइम। अब बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल की जो बात करें तो हॉस्पिटल इज 700 टू 800 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ढाका नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल जो अपनी ओपीडी देता है दैट इज फ्री ओपीडी। तो अगर पेशेंट फुटफॉल की बात की जाए तो पेशेंट फुटफॉल बहुत अच्छा होता है बिकॉज फ्री ओपीडी के चक्कर में सारा जो मैक्सिमम जो फुटफॉल है, मैक्सिमम जो क्राउड है वो हॉस्पिटल विजिट करता है, तो स्टूडेंट्स का क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरी फैसिलिटी के बारे में। लाइब्रेरी फैसिलिटी बहुत बड़े से दो रूम हैं, टू एयर कंडीशनर रूम हैं जिसमें एट अ टाइम 48 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, वो अपना रीडिंग पढ़ाई जो भी वो करना चाहते हैं वो लाइब्रेरी में कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फी स्ट्रक्चर ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज का ये है, एडमिशन फीस इज $30,000। ट्यूशन फीस की बात करूं तो ट्यूशन फीस फर्स्ट मंथ से लेके आपका पासिंग कोर्स तक 300 USD पर मंथ जाते हैं। हॉस्टल एंड फूड का आपको 100 USD अलग से देना होता है। तो ये क्राइटेरिया है फीस का। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें स्टूडेंट को जो अपनी फीस देनी होती है, एडमिशन फीस देनी होती है, वो क्या क्राइटेरिया होता है। बिफोर एडमिशन जब हम आपके डॉक्यूमेंट्स को आगे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आपके जब वहां से लेटर आ जाता है, इनविटेशन लेटर आ जाता है, तो आपने अमाउंट पे करना होता है। तो वो अमाउंट में क्या होता है, आपका बुकिंग अमाउंट होता है। बुकिंग अमाउंट फर्स्ट आपने $5,000 का बुकिंग अमाउंट देना है, देन उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगेन $5,000 की एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट $10,000 की, तो टोटल हो गए $20,000। एंड आफ्टर एडमिशन आपका जब एडमिशन वहां से कन्फर्म हो गया,
उसके बाद अगेन आपको 5,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 5,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी होती है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो है $30,000। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट उनको कंफ्यूज कर देते हैं अबाउट द कॉलेज। ढाका मेडिकल कॉलेज, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज। देखिए, ढाका मेडिकल कॉलेज जो है इट्स गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो वहां पे जो स्टूडेंट सार के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं उसका एडमिशन भी बहुत टफ होता है। सेकेंड, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज विच इज द ए ग्रेड कॉलेज एंड ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज इज बी ग्रेड कॉलेज। तो तीनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज और ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज इज ऑल द वे डिफरेंट कॉलेजेस, क्योंकि कई बार ये कंसल्टेंट्स ने स्टूडेंट्स को बोला है कि ढाका नेशनल मेडिकल की जो फैकल्टीज हैं वो जाके ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल में पढ़ाती हैं। नो, ऐसा नहीं है। तो आप अगर किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू ऑप्ट कर रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल। एंड यस, इफ आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे माय करियर पाठशाला के चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन थ्रू आर वीडियोज। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको स्टिल कोई क्वेरी आती है अबाउट द एडमिशन प्रोसेस फॉर बांग्लादेश, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।